नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और हम क्यों मौजूद हैं आज, आपने वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल को बहुत बढ़ावा दिया है, इसी सिलसिले को लेके आज हमारे साथ मृत्युंजय सिंह जी हैं। और इन्होंने क्या ऐसा किया है कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, तो सीधे चलते हैं मृत्युंजय सिंह के पास और उन्हीं से जानते हैं ऐसा क्या किया है उन्होंने। सर, मैंने एक वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर मैंने एक मैसेजिंग एप्लीकेशन डेवलप किया हुआ भारत मैसेंजर के नाम से। रिसेंटली आपने देखा हुआ कि व्हाट्सएप जो यूज़र क्रेडिटा अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर कर रहा है मार्केटिंग प्रमोशन करने के लिए, मतलब यूज़र क्रेडिटा सामने बोल के बोल रहा है कि आप एग्री करो, मैं आपको डेटा को शेयर करूँ, लोगों से परमिशन लेके। ये तो सरासर गलत है, यूजर क्या किसे बात कर किसे शेयर कर रहे हो। तो उसको देखते हुए मैंने खुद का इंडियन मैसेंजर, खुद का अपने एक भारतीय मैसेजिंग एप्लीकेशन भारत मैसेंजर के नाम से डेवलप किया हुआ है। इसका नाम भी मैंने भारत मैसेंजर इसलिए रखा है कि स्वदेशी को बढ़ावा मिले, बाहर के लोग भी हमारे मैसेजिंग एप्लीकेशन को डेवलप करें। आप जो काम व्हाट्सएप पर करते थे आज वो भारत मैसेंजर पर इजीली कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो और लोगों को डेटा शेयर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपका डेटा पूरा सिक्योर, क्योंकि हमारा जो सर्वर है इंडिया में ही है और हम लोग 260 बिट सिक्योरिटी सिस्टम यूज कर रहे हैं। यूजर का डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा, इवन मैं भी डेटा को पढ़ नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो परफॉर्मेंस पे मैंने काम किया, सिक्योरिटी पे मैंने अच्छा काम किया सर। मृत्युंजय जी, जैसे बात की जाए अगर व्हाट्सएप की, तो लोग सिग्नल पे जा रहे हैं इस समय, तो ऐसा क्या है कि लोग सिग्नल पे ना जाके वो आपसे जुड़े हैं, ऐसा क्यों, तो आप इसके बारे में बताइए। सर, व्हाट्सएप में क्या किया कि व्हाट्सएप लोग इसलिए अनइंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि वो डेटा शेयर कर रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि जो सिग्नल एप्लीकेशन है व्हाट्सएप के ही को फाउंडर का है, तो लोग व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल पे जा रहे हैं, वो भी एक ले दे कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की ही कंपनी का एक एप्लीकेशन है। तो उससे बेहतर है ना कि आप व्हाट्सएप की कंपनी को छोड़ के आप हमारे किसी इंडियन स्वदेशी एप्लीकेशन पर आ सकते हैं। इससे आत्मनिर्भर को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, वोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था बढ़ावा देने के लिए, उस पर बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। तो टोटली स्वदेशी एप्लीकेशन भारत मैसेंजर बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और मैंने सिक्योरिटी पर बहुत अच्छा ध्यान दिया, इसको लोग एक बार यूज करना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी को, तो सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या ऐसा किया है कि लोग इस ऐप के ओर आकर्षित हों या इस ऐप को यूज़ करें? सिक्योरिटी सबसे पहले मैं ध्यान दिया, जो हमारा जो सर्वर है सर, हमारा इंडियन सर्वर है, इंडिया में ही हमारा सर्वर है। और दूसरी चीज़, मैंने 260 बिट सिक्योरिटी यूज़ किया हुआ है। 260 बिट सिक्योरिटी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि आपके डेटा को पूरा इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट मतलब कि हैकर्स के अलावा, हैकर अगर मैं एप्लीकेशन का फाउंडर हूं, तो मैं भी आपके डेटा को पढ़ नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा कि यूजर एक दूसरे से क्या बात करें, क्या वॉइस कॉल पर बात करें, क्या वीडियो कॉल पर बात करें। इतना हमारा एप्लीकेशन सिक्योर है। तो एक बार लोगों को यूज करना चाहिए सर, भारत मैसेंजर बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी डाउनलोड कर सकता है। और लोगों का रिव्यू पे डिपेंड करता क्या है। आप प्रॉपरली कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो आपने मतलब आपकी जो अभी कार्य हो रही है वो कहाँ से आप काम कर रहे हैं और स्टूडेंट आप कहाँ के रहें, इसके बारे में ज़रा बताएंगे? सर, मैं चंदौली का रहने वाला हूँ और मेरी बचपन से पढ़ाई लिखाई जो हुई है बनारस में हुई है। और मेरी जो मैंने साइबर सिक्योरिटी में मास्टर डिग्री किया हुआ है और ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो मैंने मेरी जो पढ़ाई हुई है वो रायपुर छत्तीसगढ़ से हुई है साइबर सिक्योरिटी की। उसके बाद मैं रायपुर से निकल के 2017 में के फर्स्ट जन में मैं यहाँ पे बनारस में सेटल हो गया फिर से, और अपनी जो कंपनी थी मेरी यहाँ मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और मैं कहीं ना कहीं लेके NCLIT BHU का इंक्यूबेटी हूँ, तो मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा हूँ मैं। मृत्युंजय जी, जैसे अगर कोई भी बनारस के या जो भी देश दुनिया विदेश से जो भी आपके एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसका प्रोसेस बता देंगे? सर, कुछ नहीं करना, सिंपल है, सारे एप्लीकेशन तरह ये भी सिंपल है। आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे भारत मैसेंजर सर्च करना है। जैसे आप भारत मैसेंजर सर्च करेंगे सबसे टॉप में हमारा एप्लीकेशन दिखेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और आपको अपने मोबाइल नंबर डाल के अपना रजिस्टर हो जाइए और इजीली आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं देने। उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है जो कि आप व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप से हटना चाह रहे हैं तो ये एक स्वदेशी एप्लीकेशन है और आप इस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं और इस एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते हैं। और ये मृत्युंजय जी ने बताए हैं, जिस हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। तो कैमरामैन सत्यम वर्मा के साथ मैं प्रभात गुप्ता, देखते रहिए सिर्फ समाचार।